नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और स्वागत है मेरे YouTube चैनल द इंस्पायरिंग माइंड्स। दोस्तों, CBSE की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन आया है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए, उनके मैथमेटिक्स को लेकर के। ठीक है, उसमें कुछ सब्जेक्ट ऐड हुआ है, ठीक है, जिसको अप्लाइड मैथमेटिक्स बोला गया है, जिसका कोड है 241। आइए उसके बारे में हम आपको कुछ डिटेल में बताते हैं कि क्या क्या हुआ है, किसके लिए है। ठीक है, वन बाई वन। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल। आइए देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि क्लास 11th के लिए है अप्लाइड मैथमेटिक्स, जिसका कोड है 241, एज एन एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट एट सीनियर सेकेंडरी लेवल। मतलब कि 11th से आपके क्लास में जुड़ जाएगा। इस कब से शुरू होगा इसका पढ़ाना, एडेड फ्रॉम दिस एकेडमिक ईयर 2020 से 2021 तक। ठीक है, एन एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट, मतलब कि ये आपके मैथमेटिक्स के सिलेबस में एड हो जाएगा ये सब्जेक्ट। ठीक है ना, तो इसको कौन कौन ले सकते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है लेने का, कि मतलब जैसे जैसे आप हायर स्टडीज जाएंगे ना, तो उसमें क्या कर सकते हैं, कुछ कैलकुलेशन टाइप का होता है, मैथमेटिक्स का ज़्यादा यूज होता है, तो उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए ये सब्जेक्ट को लाया गया है। ठीक है, मैथमेटिक्स इज़ वाइडली यूज इन द हायर स्टडीज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, सोशल साइंस एंड मैनी अदर। ठीक है, तो ये अप्लाइड मैथमेटिक्स को कौन कौन ले सकता है, उनके लिए भी ऑप्शन है। इसको कॉमर्स वाले भी ले सकते हैं, सोशल साइंस वाले और इकोनॉमिक्स वाले भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अप्लाइड मैथमेटिक्स है तो केवल मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए ही है। ठीक है, अब हम लोग कुछ और नेक्स्ट में देखेंगे कि 11th के लिए क्या है, कि इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड सोशल साइंस वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाइड मैथमेटिक्स को ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ, 11th में स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स 041 और अप्लाइड मैथमेटिक्स में से कोई एक ही सब्जेक्ट ले सकते हैं। मतलब कि जो मैथमेटिक्स आप जो पढ़ रहे हैं, 041 जिसका कोड है, और एक मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स जिसका कोड 241 है, तो उसमें से केवल एक ही मैथमेटिक्स आप ले सकते हैं अगर आपको 11th में पढ़ना है, 11th में पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो दोस्तों, ये जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है वो किसके कौन कौन किसके लिए भी है, कॉमर्स वाले भी ले सकते हैं, सोशल साइंस और इकोनॉमिक्स वाले भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो मैथमेटिक्स 041 है, इसको मैथमेटिक्स वाले, जिसको मतलब हायर में क्या पढ़ना है, मैथ्स लेकर पढ़ना है, या तो इंजीनियरिंग करना है, या तो BSc MSc इस टाइप का, ठीक है, अगर पढ़ आगे जा करके इस टाइप की स्टडीज करनी है, तो वो ये वाली मैथमेटिक्स लेगा। ठीक है, लेकिन दोनों में से कोई एक ही ले सकता है। ठीक है, मैथमेटिक्स जो कि जो हम लोग पढ़ते हैं उसका कोड 041 होता है, और उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो यूनिवर्सिटी लेवल पर मैथ्स, फिजिकल साइंस या तो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मतलब जो आगे की हायर स्टडीज करना चाहते हैं मैथ्स लेकर के, या इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, ठीक है, या तो फिजिक्स वगैरह पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वाला मैथमेटिक्स लेना पड़ेगा, 041 जिसका कोड है। ठीक है, और 10th क्लास में जो स्टूडेंट्स बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ के आए हैं, या तो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पढ़ के आए हैं, उनके लिए उनके सिलेबस में भी ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, वो वाले भी स्टूडेंट ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई बेसिक मैथमेटिक्स लिया है तो उसको ये नहीं लेना पड़ेगा, वो भी ले सकता है, उसके लिए ऑप्शन भी है। और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है जो पढ़ा है, जो आगे साइंस से पढ़ना चाहता है, मैथ से पढ़ना चाहता है, तो वो स्टूडेंट्स भी इसको ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल द इंस्पायरिंग माइंड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जैसे जैसे CBSE की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, आपको इसी YouTube चैनल द इंस्पायरिंग माइंड्स पे सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू।